दोस्तों, हर वक्त सच सुनना हर कोई चाहते हैं हम, लेकिन क्या हर वक्त सच को जाहिर कर सकते हैं? जैसे कि हमारी जिंदगी का पहला प्यार कितने लोगों ने जाहिर किया है और कितने लोगों ने आज तक किसी और की पहला प्यार के बारे में सुना है। बस जैसे पहला प्यार होता है, ठीक उसी तरह जैसे सुबह की पहली किरण से गुलाब की पंखुड़ियों से फूल खिलने की तरह, वो एक ऐसा अनुभव है जो ना कभी एक्सप्रेस की जा सकती है और ना ही कभी किसी को बताया जा सकता है। न जाने कितने लोगों को इस पहले प्यार ने दीवाना बना दिया है और न जाने कितने लैला मजनू अपनी जान खो चुके हैं और न जाने कितने प्यार करने वाले को ब्रेकअप्स मिला है। धोखा मिलने के बाद वही इंसान जो दिलो जान से किसी को चाहते थे, उन्हीं की याद में पूरी जिंदगी भर आंसू बहाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बल्कि यूं भी कह सकते हैं, कई बार लोग तो जिंदगी भर पागलों की तरह बिताते हैं। कहीं कहीं पर आपको फुटपाथ में ऐसे दीवाने मिलेंगे जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ठीक उसी तरह जैसे हमारे देश की आर्मी हमारी देश की जान को बचाने के लिए, आन बान शान को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। वो अपनी जगह ठीक है तो ये भी अपनी जगह ठीक है। प्यार तो बहुत बड़ी चीज होती है। प्यार का नाम सिर्फ आंसू नहीं होते हैं, प्यार का नाम सिर्फ धोखा नहीं होती है। वैसे कहते हैं ना, जो भी होता है हमारे साथ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जिसके नसीब में जितने दिन लिखे हैं, अपने प्यार के लिए उतना ही पल हम उनके साथ रहते हैं। फिर ये आंसू क्यों लेकर हम घूमते हैं? हाल ही में मैंने एक कहानी सुनी। वो कोई स्टोरी नहीं बल्कि एक जीती जागती इंसान की बात है जो सिर्फ आंखों से आंसू ही बहा रहे थे, जिन्हें अपना पहला प्यार नहीं मिला, अभी तक वो अपने प्यार को भुला नहीं सके। आंसुओं को तो दुनिया जगह ही नहीं देती है। आंसू लेके घूमोगे तो दुनिया साथ कभी नहीं देगी, क्योंकि आंसुओं की जगह तो आंखों में ही नहीं होती है। क्या कहते हैं आप? आपके साथ है आपकी आरजे अर्चना अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन की बात आरजे अर्चना के साथ। लेकर आऊंगी एक नई कहानी अपने नए वीडियो में। तब तक रखिए ख्याल और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन की बात आरजे अर्चना के साथ।